नमस्कार दोस्तों, आरएफ डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में घंटी को भी जरूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गले की कटिंग हम पहले अस्तर पर करेंगे। शोल्डर हमने इसका 5 इंच लिया है, आर्म होल 6 इंच पर कट किया है, 2 इंच पर इसकी गुलाई दी है। अब हम गले की कटिंग करेंगे। गुलाई हम 2.5 इंच लेंगे, नीचे की साइड में हम 3 इंच लेंगे, 10 इंच तक हम गले को डीप रखेंगे। तो देखिए 1.5 इंच पर बनाया है, अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम कपड़े पर रख के इसे कट करेंगे। देखिए हमारी कटिंग हो गई है ब्लाउज की। हम इसे बनाएंगे, नीचे की साइड से भी हम सिलाई लगाएंगे और गले पर भी हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह देखिए हमने सिलाई लगा दी है, अब हम कट लगा देंगे। इसे पलट लेंगे। इसे बनाते हुए गले पर सिलाई लगा देंगे। देखिए सेंटर से निशान बनाएंगे। अब हम यहां पर डिजाइन बनाने के लिए कपड़ा लेंगे। गले की हमारी चौड़ाई 6.5 इंच है, तो हम ज़्यादा ही लेंगे, 2 इंच, 8.5 इंच इसकी हम चौड़ाई लेंगे, 15 इंच इसकी लंबाई है। इस तरह हम लगाएंगे, इस तरह हम 1 इंच तक मोड़ेंगे, बराबर से हमें लेना है, सेंटर से मिलाते हुए हम रखेंगे। 1 1 इंच की हमें इस तरह प्लेट देनी है। इस तरह देखिए हमने प्लेटें दी है, 1 1 इंच की हमने दी है। अब देखिए यहाँ तक हमने प्लेट दी है, अब हम यहाँ पर 2 पॉइंट बचाएंगे, तो हमारा यहाँ तक प्लेट हमारी हो गई है। तो अब हम इस कपड़े को ज़्यादा कट कर देंगे, 1 इंच बचाते हुए हम कट कर देंगे। अब हम इस तरह देखिए अंदर की तरफ इसे मोड़ देंगे, और अंदर की तरफ मोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, तरह बनाएंगे। आधा इंच से कम ही 2 पॉइंट हम छोड़ेंगे, और छोड़ते हुए इस तरह सभी प्लेट को अच्छे से बनाएंगे, चुन्नटों को बराबर से बनाएंगे, और बनाते हुए हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी बनाएंगे अच्छे से और सिलाई लगा देंगे। देखिए हमने दोनों साइड में बनाते हुए सिलाई लगा दी है, साइड से ही हमें रखना है और जो ज्यादा है उसे हमें कट कर देना है। देखिए ये ब्लाउज का बॉर्डर है, तो इससे हम पट्टी कट करेंगे। इस तरह देखिए हम दोनों साइड में लगाएंगे। देखिए हमने पट्टी को अच्छे से लगा लिया है, दूसरी साइड भी हमें इसी तरह लगाना है, दोनों साइड से लगा लिया है। अब हमें इसे कट करना है, तो बाहर की साइड से दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे। इस
देखिए इसे हमने चैन से लिया है, अब इसे हम लगाएंगे इस तरह से। देखिए हम मोड़ेंगे और इस तरह हम चैन लेंगे। ज्यादा बड़ा है उसे हम कट कर देंगे। इसी तरह हमें दूसरी साइड में भी लगाना है। इस तरह से देखिए हमने दोनों साइड में लगा लिया है। फिर हम कपड़ा लेंगे, इस तरह इसको मोड़ लेंगे। हम देखिए अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। हम देखिए इस तरह से मिलाते हुए दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे। हमने सिलाई लगा दी है, अब हम दोनों साइड से यहां पर मोती लगाएंगे। इसी तरह हमें लगाना है बराबर दूरी पर। हम सभी देखिए जो हमने यहाँ पर प्लेट बनाई है, सभी प्लेट पर हमें एक एक मोती लगाना है। इस तरह देखिए हमने बराबर दूरी पर सभी मोतियों को लगाया है। इसी तरह हमें दूसरी साइड में भी लगाना है। ऐसे देखिए हमने दोनों साइड से बराबर दूरी पर मोतियां लगा ली है। अब ये हमारा डिजाइन बन गया है। तो हमारा ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।